और सुख एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह के लिए आ रहे हैं विदेशी मेहमान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पहुंचे दिल्ली, मॉरिशस के पीएम भी दिल्ली पहुंचे, प्रविंद जगन्नाथ दिल्ली पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू दिल्ली पहुंच गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वही मॉरिशस के पीएम भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, प्रविंद जगन्नाथ दिल्ली पहुंचे, ये बड़ी खबर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पहुंचे दिल्ली और वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो हमारे विदेशी मेहमान भी लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला जारी है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि लगातार जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है वो नेता भी लगातार दिल्ली की तरफ रुख करते हुए, हालांकि कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन होगा ये अभी पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन लगभग जो संभावित मंत्री हैं वो लिस्ट हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम लगभग कंफर्म हो चुके हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू दिल्ली पहुंचे, तो मॉरिशस के पीएम भी दिल्ली पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। 7:15 का ये समय जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये दो तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मॉरिशस के पीएम जो कि भारत पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर यहां पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जब पहुंचे थे उस वक्त किस तरह से उनका स्वागत किया गया। तो भारत की एक अद्भुत कला जिसका प्रदर्शन करते हुए नाट्य कलाकार और यहाँ पर भारत की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जब भारत पहुंचे उस वक्त के स्वागत की ये तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरह से पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया था और भारतीय कलाकार जो कि अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हुए हैं। तो 7:15 का वो समय जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया था और उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मालदीव और मॉरिशस के प्रतिनिधि आ चुके हैं, मॉरिशस के पीएम जहां पर पहुंचे भारत, तो वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू भी भारत पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया का, जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही हैं। भावना, तो विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है और भव्य तैयारियां तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ भव्य समारोह भी होने जा रहा है आज शाम 7:15 पर। जी, देखा जाए तो आज की शाम जो है इतिहास में लिखे जाने वाली शाम है, जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी हैं जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस समारोह के लिए हर तरीके की भव्य तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वहीं विदेशी मेहमान भी लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का जो है इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शाम 7:15 का समय निश्चित किया गया है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक एक करके मंत्री पद की भी जानकारी सामने आ रही है कि जब एक एक कर किस किस को मंत्री पदभार सौंपा जाना है, उनके पास लगातार कॉल जा रही हैं और उनको शाम के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित पत्र भेजा जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो है शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है, लेकिन गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उनसे चर्चा करने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है, जहां मंत्री पद को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, लगातार एक एक कर मंत्री पद जो है वो सौंपे जा रहे हैं और उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं जो विपक्ष है उनको भी आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है और देखना यही होगा कि आखिरकार जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण पत्र भेजा गया है, क्या
वह इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होंगे या फिर गठबंधन से चर्चा करने के बाद इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के हर तरीके के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। विदेशी मेहमान जो दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके होटल से लेके कार्यक्रम जो समारोह कार्यस्थान है वहाँ पर उनके लिए एक स्पेशली रूट तैयार किया गया है। रूट डायवर्जन भी किया जाएगा जब वो कार्यक्रम के लिए अपने होटल से निकलेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, जीतन राम